हेलो सिक्सी मैगजीन हमारा मेन्यू या अपने ई बोर्डिंग पास के QR कोड को स्कैन ये देखो आगे हम लोग अंदर हमारी सेवा टेक ऑफ के बाद शुरू होगी। जलपान का चयन तैयार रखने पर हम आपकी सेवा जल्द से जल्द कर पाएंगे। 25 लेडीज एंड जेंटलमैन, वी रिक्वेस्ट यू टू कीप बिग बैग्स इन द ओवरहेड बिन्स अबव योर एलोकेटेड सीट्स एंड स्मॉल बैग्स अंडर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। तो गाइज ये व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। मैं अभी जा रहा हूँ BTM लेआउट से एयरपोर्ट के लिए। अभी मैं बस में आके बैठ गया हूँ, इसके पहले व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी में बस आ जाती है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बनाना। अभी मैं सिल्क बोर्ड पर आके खड़ा हुआ हूँ। आपको अगर एयरपोर्ट जाना है तो आपको क्या करना है, सिल्क बोर्ड पर आके खड़े हो जाना। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए बस जाती रहती है, KA8 ऐसे ऐसे करके बस नंबर होता है। बस एयरपोर्ट सामने लिखा होता है, बड़े बड़े अक्षर में डिजिटल में लिखा होगा एयरपोर्ट। बस आपको उस बस में चढ़ जाना है। किराया लगा है सिल्क बोर्ड से एयरपोर्ट का 305 रुपये, 305 रुपीज़। चलिए मैं आपको बस दिखा देता हूँ। बस बिल्कुल खाली है, मैं पहला ही हूँ इसमें बैठने वाला और मुझे नहीं लगता रात में ज़्यादा लोग ट्रेवल करते हैं बस से। तो अभी क्या है 8 बज रहा है तो मैंने सोचा बस क्यों ना ले लो, क्योंकि अगर वही मैं कैब करता हूँ तो कैब का मुझे कम से कम 1400 रुपये देना पड़ेगा और यहाँ 300 रुपये में काम हो गया, वो भी AC वाले बस में बैठा हूँ मैं। ये देखिए पूरी बस है और पूरी बस खाली है, AC चल रहा है, एकदम ठंडा ठंडा है। ये देखिए और मैं अकेला बैठा हूँ बस में। ये देखो पूरा AC है, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ठंडा ठंडा। और ये देखिए मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। बस का नंबर है KIA8A/3। अब इसका बस नंबर से आपको नहीं मतलब है, सामने लिखा रहता है एयरपोर्ट बड़े बड़े अक्षरों में, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये देखिए BTM लेआउट क्वेम्पू नगर टू केम्पे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका चार्ज लगा है 305 रुपये। ठीक है, तो कभी भी आप जाते हो तो इतना लगेगा। अगर यही आप ओला या कैब करके उबर से जाते हो तो 1400 से 1500 रुपये लगेगा, 1400 से 1500 रुपीज़। फाइनली भाई 1.5 घंटे ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए और काफ़ी आराम से आए। बस में केवल 3 लोग थे, 3 लोग में से सिर्फ मुझे ही जाना था फ़्लाइट पकड़ के, बाकी के 2 यहीं आसपास में कहीं एम्प्लॉई थे, काम करते थे, और कोई नहीं आया बस में। काफ़ी आराम से ठंडा ठंडा AC चल रहा था, आराम से आ गए। चलिए अब आपको थोड़ा एयरपोर्ट दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे अगर आप उबर से आते हो, कैब करके आते हो, ओला से आते हो, तो यहाँ पे आपको उतारेगी कैब और सामने आप ब्लू कलर का लाइन देख रहे हो वो बस वहाँ पे उतारती है। फिर वहाँ से आपको चल के इधर आना है इस साइड, ये है एयरपोर्ट। देखिए यहाँ भी ओला उबर वाला आता है, टैक्सी वाला, फिर इस साइड भी आता है। तो आपको सिंपल से देखिए सबको ही जा रहा है, ये मेरा बैग है, मैं भी जा रहा हूँ, तो जहाँ से भी क्रॉसिंग होगा वहाँ से क्रॉस करके आपको इस साइड आ जाना है। अब चलते हैं उस साइड और फिर आपको आगे का दिखाते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग नए रहते हैं, पहली बार आते हैं फ़्लाइट से, तो उनको दिक्कत होती है या फिर नहीं समझ में आता है कैसे किधर जाना है। समझ में आ जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, पूछना पड़ता है। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ पता रहेगा। देखिए यहाँ कैब खड़ी है और ये क्रॉसिंग है और सीधा हम क्रॉस करते हुए पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट पे। वैसे पूरा एयरपोर्ट का ही एरिया है। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक लड़के का कमेंट आया था, बोला था कि भैया एयरपोर्ट पे बैठने का, आराम करने का या वेटिंग के लिए कुछ जगह होता है कि नहीं। आप देख सकते हो बहुत सा वेटिंग के लिए बना हुआ है जगह, आप आराम से आ सकते हो और बैठ सकते हो, इतना जगह है यहाँ पे। और उसने पूछा था कि भैया कितने देर तक वेटिंग कर सकते हैं, कितने देर तक बैठ सकते हैं। तो आप 2-3 दिन चाहो तो भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। ये देखिए ये बड़ा खूबसूरत है बेंगलोर एयरपोर्ट और हर जगह वेटिंग के लिए बना ही हुआ है ये पूरा। अभी हमने एंटर भी नहीं किया, अंदर हम नहीं गए हैं, ये जैसे प्लेटफॉर्म होता है बाहर का वो है।
हम बस बाहर से भी दिखा रहे हैं। ये देख रहे हो डिपार्चर, वहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो मैं एक बार टहल के पूरा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सब लोग बैठे हैं। अब मेरी फ़्लाइट है सुबह 5:10, 5:10, तो मैं 2 घंटे पहले अंदर जाऊँगा, पहले अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि बाहर आप रहोगे तो घूम सकते हो, खा पी सकते हो, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, देख रहे हो, चाय है, कॉफ़ी है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, कुछ भी खाना है, सब वह है, तो आराम से बैठ के मौज कर सकते हो, आनंद उठा सकते हो। स्टारबक्स है अंदर, लिमिटेड हो जाती हैं चीज़ें, आपको उतनी चीज़ें नहीं मिलेगी, उतना आनंद नहीं उठा पाओगे, तो अंदर हम लेट से जाएंगे पहले। ये देखिए वेटिंग के लिए आप यहाँ आराम से बैठ सकते हो, जैसे ये भाई बैठा हुआ है अपना, वैसे ही कहीं एक जगह पकड़ लो। चलिए मैंने बाहर का दिखा दिया बहुत, अब जब अंदर घुसेंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे, कहाँ से अंदर जाना है, क्या कहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अराइवल, जो भी आता है बैंगलोर एयरपोर्ट, यहाँ लोग खड़े हैं, तो ये देखिए अराइवल हो रहा है, वहाँ से निकल रहे हैं लोग। यहाँ डिपार्चर का पूरा चार्ट लगा हुआ है, कौन सी फ़्लाइट कितने बजे है। तो जिसने भी चेक इन नहीं किया है, मैं तो वेब चेक इन पहले से करके आया हूँ, और मुझे बैगेज टैग चाहिए नहीं, बोर्डिंग पास ऑलरेडी ऑनलाइन वाला है मेरे पास, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो आपके पास 2 बैग है, बड़ा बैग है, ऐसे देखो ये मेरा हैंड बैग में आ जाता है, ये छोटा वाला बैग, तो इसके लिए बैगेज टैग की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं अपने साथ लेके जा सकता हूँ एज अ हैंड बैग। और मेरे पास एक लैपटॉप बैग भी अवेलेबल है, तो ये फ़ायदा होता है इस छोटे बैग में, अगर सिंगल आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसका कोई झंझट नहीं होता है। देखिए ये है एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट टर्मिनल 1, और आप टर्मिनल 2 पे जाना चाहते हो, आपको ज़रूरत है या नहीं है, आपको इवन फ्लाइट पकड़ना है या नहीं पकड़ना है टर्मिनल 2 से, अगर बस घूमने भी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए पॉइंट बने हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे आना है आपको, बस हमेशा 5 मिनट पे अवेलेबल हो जाती है। टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पे आते हैं लोग, 1 से 2 पे जाते हैं, तो मैं तो बहुत पहले आ गया हूँ, तो अब चलेंगे हम टर्मिनल 2 पे और थोड़ा घूम के आते हैं वहाँ से। ये देखो ये है बस, 1 से 2 पे इजिली चले जाओगे। ये देखिए यहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल, मैं सोच रहा हूँ यहीं से कुछ खा लूँ क्योंकि भूख लग रही है बड़ी ज़्यादा। अगर आप डोसा देखोगे, 279 का डोसा है, 269 का डोसा है, इडली वड़ा, 2 इडली 1 वड़ा 269 का, OMG, 4 पूरी आपको 269 में मिल रही है, तो ये तो एयरपोर्ट है भाई, महंगा मिलेगा ही, लेकिन भूख लग रही है, कुछ ना कुछ खाना ही है, देखते हैं क्या अवेलेबल है। मैं डोसा के लिए जाऊंगा, डोसा खा सकते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठने के लिए भी बना है, आप बैठ के टेबल वेबल लगाए खा सकते हो। इन्होंने बोला 5 to 10 मिनट वेट करो, आपको बुलाया जाएगा और खाना मिल जाएगा। और ये रहा मेरा बिल। मसाला डोसा पहले बोला ख़त्म हो गया, मैं बोला ख़त्म हो गया, तो बोले नारियल वाली चटनी नहीं है, आपको रेड चटनी मिलेगा, सांभर मिलेगा, मैं बोला वही दे दो यार। फिर मैं बोला अच्छा उसका जो भी आपका नारियल चटनी का प्राइस है वो लेस कर देना, तो उसने मुझे 230 रुपये बोला था, फिर उसने 20 रुपये लेस किया, मुझसे लिया 210, 209 रुपये एक्चुअली। ये देखिए 209 रुपये, कुल मिला के 21 रुपीज़ इसने लेस किया है चटनी का। ये देखो आ गया है मसाला डोसा, कितना बड़ा सा है, पता नहीं मैं खा पाऊँगा कि नहीं, स्पून ले लेते हैं। ज़्यादा ही बड़ा है ये, खाना वाना भी खा लिया, बहुत घूम लिया, बैठ लिया, अब थक गया हूँ मैं, अब चलूँगा, मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो रहा है,
तो अंदर चलेंगे, आराम से बैठेंगे और फ़ोन चार्ज करेंगे, थोड़ा व्लॉग भी एडिटिंग करेंगे। ये देखिए, ये डिपार्चर है यहाँ से, यहाँ से हमको अंदर जाना है। ये देखो, किसी भी एक गेट से जा सकते हो, दोनों साइड रहता है, एक और है यहाँ पे, दूसरा है जैसे 125 पीछे है, फिर 627 इधर है, 526। देखिए, एयरपोर्ट के अंदर आने के लिए, डिपार्चर से अंदर आने के लिए आपके पास बोर्डिंग पास होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए या आईडी प्रूफ। तो ज़्यादातर बेटर यही होता है आधार कार्ड ले लें आप, ताकि पता चले हाँ आपका ही टिकट है, आप ही हैं, फिर आप ईज़िली अंदर आ जाएंगे। और फिर अगर आपके पास बैग है एक्स्ट्रा, वो 30 kg वाला, तो आप तो यहाँ देखिए इंडिगो का ये पूरा है, वहाँ जा सकते हैं। और वहाँ पे वेट होगा आपके बैग का, आपके बैगेज टैग लगाएंगे वो। बैगेज टैग मैंने बताया कहाँ से निकाल सकते हो, या यहाँ पे भी मशीनें लगी हुई हैं, यहाँ से भी आप बैगेज टैग निकाल सकते हो। फिर वो आपका बैग वहीं जमा कर लेंगे और फिर आपको छोड़ देंगे आपके हैंड बैग के साथ। ये तो हो गया नीचे का काम। जब नीचे का काम ख़त्म हो जाता है तो आपको जाना है ऊपर। अगर आपके पास छोटा बैग है, ये छोटा वाला, तो इसमें बैगेज टैग की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आप डायरेक्ट अंदर घुसिए डिपार्चर से, ऊपर जाइए और सिक्योरिटी चेकिंग के लिए चले जाइए डायरेक्ट। ये देखिए, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। ये है पूरा एयरपोर्ट। ये देखो, लोग अपना सामान लेके खड़े हैं, वेट कराएंगे, फिर इनका सामान जमा हो जाएगा, इनको एक टैग मिल जाएगा, जो कि जब ये पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे तो वहां से रिसीव कर लेंगे। देखिए, सेकंड फ्लोर पे हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो वहां रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको दूर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग कराना है, यहाँ से फिर से आपका आधार और बोर्डिंग पास चेक होता है। मेरे मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया है। अच्छा, चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आपको डायरेक्ट अंदर आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है। वहाँ पे क्या रहता है, बैग अलग रख देना है, और जो भी इलेक्ट्रिक सामान है, मोबाइल है, बेल्ट है, या मेटल का जो भी सामान है, वो अलग रख देना है। फिर आपको जाना है, आपकी तलाशी होगी, सिक्योरिटी चेकिंग होगी, फिर आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आके आराम से सोइए, बैठिए, बहुत जगह रहता है, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, मैं अभी डेस्क पे बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी हो जाएगा और लैपटॉप लगा के मैं एडिटिंग भी कर सकता हूँ। ये मेरा बैग है, बाकी का मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत जगह है। चार्जिंग का केबल भी दिया हुआ है, आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए, जगह जगह पे, जैसे ये लगा है यहाँ पे, तो बहुत सा लगा हुआ है, आप ईज़िली अपना काम कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब मैं व्लॉग एडिट कर लेता हूँ। ये है मेरा वर्क टेबल, अब जैसे कि मेरा दिखा रहा है 5-10-896 वाराणसी 7th गेट पे आएगा। देखिए, दिया है स्टेटस गेट लास्ट में, किस गेट पे। जब आपको पता चल जाए तो आराम से आइए अपने गेट नंबर पे, जैसे 987 उधर है, बैठ जाइए जैसे सब लोग बैठे हैं। और आधे घंटे में बुलाया जाएगा, जैसे ही टाइम हो जाता है बुलाया जाएगा, वहाँ से आईडी दिखाना है और अंदर चले जाना है। देखो, टाइम आ गया, अब यहाँ से चेकिंग होगा, बस में जाना है, बस से डायरेक्ट फ्लाइट। अब हमें अपनी फ़्लाइट तक ले जाएंगे ये बस से, एक मिनट दो मिनट लगता है, तुरंत पहुँच जाएंगे फ्लाइट तक। तो भाई, फाइनली पहुंच गए हम लोग अपनी फ़्लाइट के पास, वो भी बस से। नॉर्मली बस से ही पहुंचाता है इंडिगो वाला, इसका हमेशा दूर रहता है। ये देखो, अब आगे वाले आगे से चले जाएंगे, लेकिन मेरा पीछे है 25F, तो मैं पीछे से जाऊंगा। अगर मैं आगे से चला जाऊंगा तो बहुत लंबा मुझे चलना पड़ेगा और भीड़ बहुत होती है उसमें, क्योंकि सब कोई नया अभी अभी आता है, सामान रखता है, तो भीड़ बहुत होती है। देखो, बहुत सी फ्लाइट खड़ी है, लाइन से खड़ी है, मेला लगा है।
पीछे की सीट मेरी। ये देखिए थोड़ा ऊपर से नज़ारा, कितनी फ्लाइट है लाइन से खड़ी है। ये आवाज़ बहुत कर रहा है। ये देखो आगे हम लोग अंदर। जलपान का चयन तैयार रखने का, हम आपकी सेवा जल्द से जल्द कर पाएंगे। 25 लेडीज एंड जेंटलमैन, वी रिक्वेस्ट यू टू कीप बिग बैग्स विद ओवरहेड बिन्स अबव योर एलोकेटेड सीट एंड स्मॉल बैग्स अंडर 29। यू मे आल्सो डाउनलोड द क्यूआर कोड ऑन योर 29 एबीसी। वी विल बिगिन आवर सर्विस डी ईयर। इसमें आप हैंड बैग रखते थे ऊपर, जो मेरे दो बैग हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे, जैसे बाकी लोग का रखा हुआ है, लेकिन अपने सीट के ऊपर आपको रखना है। ये देखो ये गया, ये बंद हो जाएगा फिर। विंडो सीट और अब दिखाते हैं लाइट। ये देखो सामान हमारे ऊपर चला गया, वो ऊपर पूरा पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। ऊपर एसी है, अगर आपको एसी ऑन करना है एसी ऑन कर सकते हो, लाइट ऑन करना है, कुछ पढ़ना है पढ़ सकते हो, बुलाना है एयर होस्टेज को तो यहाँ से बुला सकते हो बटन दबा के। और यहाँ से नज़ारे देखते हुए पहुँच जाएंगे हम घर। फाइनली पहुंच गए हम लोग लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। और आप देख रहे हो अभी वाराणसी का एयरपोर्ट। मेरा यार फ्लाइट में कान बंद हो गया, अभी तक बंद ही है। ये देखो ये अराइवल है और उस साइड डिपार्चर। मैं सो गया था यार फ्लाइट में। देखिए अब जिसका भी बैग होगा 30 kg वाला, वो बड़ा वाला, वो अपना यहाँ से कलेक्ट कर लेगा, जो भी आप जो उसमें बैग टैगेज लगा होता है वो उससे मिला के या अपना बैग पहचान लोगे और यहाँ से उठा लोगे अपना बैग। ये व्हील मूव करता है। चलेंगे पहले ढूंढेंगे वॉशरूम, क्योंकि सो गए थे तो मुंह अजीब सा हो गया है। यहाँ है वॉशरूम, काशी की नगरी आ गए हैं हम। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं वाराणसी और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है ये भी। ये देखो ये पूरा छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। और अभी मुझे मिल गया है, जब मैं निकला हूँ तो टैक्सी वाला तो बोला शेयरिंग में चलेंगे या पूरा लेके चलेंगे। हम बोले भाई शेयरिंग में ले चलो, कम पड़ेगा। ले लिए, ले लिए। देखिए ये हैं टैक्सी वाले, 300 रुपये में हमको छोड़ेंगे घर। और ये पूरा हम लेते तो हमको 850 रुपये पड़ जाता, तो ये रास्ते में किसी और को उठा लेंगे। अब दिख रहा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट
वाराणसी। तो ये है हमारे बनारस काशी का एयरपोर्ट, आप देख सकते हो। और मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 30 किलोमीटर जाना है, 30 किलोमीटर 300 रुपये में मुझे मिल गया। ये देखो, ये है मेरी टैक्सी, वाह क्या मस्त है। अंदर भी टैक्सी वाले होते हैं लेकिन उनसे काफ़ी महंगा पड़ जाता है, और जब आप बाहर आते हो तो आपको सस्ते में भी मिल जाएगा, महंगे में भी मिल जाएगा। तो अभी मेरा टैक्सी वाला गया है एक और बंदा ढूंढने, एक या दो जितना भी मिल जाए उसको, अगर नहीं मिलता है तो वैसे ही चलेंगे और रास्ते में से उठा लेंगे किसी को भी। आई होप मिल जाना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में किराया जो है वो 750 होता ही है, लेकिन इन्होंने बोला है 300 में 300 रुपये में ले चलेंगे, तो भाई बिना किसी और को बिठाए तो ले नहीं जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आऊँगा ओला उबर से बुक कर लूँगा, टैक्सी तो नहीं होता है बुक यहाँ पे। जो ये टैक्सी वाले हैं ना, इनका ही ओला उबर में भी होता है, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आप कितना भी बुक करते रह जाओ, कितना भी वेट कर लो, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इनका ग्रुप बना हुआ है, ये नहीं करते हैं एक्सेप्ट। आपको थक हार के लास्ट में टैक्सी ही लेनी पड़ेगी इनसे, और या फिर ऑटो लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ ओला उबर को ये रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं लेते इनसे। भाई आपका भी फ़ायदा है, आपका भी कम में हो सकता है, कभी हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो, लेकिन ज़्यादातर यही है कि कम में हो जाता है, और इनका भी फ़ायदा होता है क्योंकि ओला टैक्सी वाले वो उबर वाले वो अलग से अपना भी चार्ज काटते हैं, तो फिर इनको बचता कम है। चलिए हम तो बनारस पहुँच गए, अपने घर पहुँच गए। मैक्सिमम एक घंटा और लगेगा, मैं अपने घर में पहुँच जाऊँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है, मज़ा आया है, इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ जानने को मिला है, मेरी मेहनत पसंद आई है आपको, तो ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नए हो तो, और कमेंट करके बताओ क्या हेल्प मिला आपको, क्या मज़ा आया, या फिर कैसा लगा वीडियो। एक कमेंट कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई ऐसे ही व्लॉग को देखते रहना और सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।